हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल कोको ट्रेडिंग। हम लोग इस वीडियो में कंपाउंडिंग करने वाले हैं। आपको यहाँ अमाउंट हमारा $10 दिख रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ काफ़ी छोटे अकाउंट से हम लोग ट्रेडिंग करने वाले हैं और हमने अमाउंट भी सेट कर लिया है, जो ये प्रूफ करेगा कि आपको ट्रेडिंग के लिए कोई मैसिव अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी आपके पास बस वो प्योर नॉलेज होनी चाहिए तो आप कितने भी अमाउंट से अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन फिर से मैं आपको थोड़ा वार्न कर दूं कि कंपाउंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंपाउंडिंग, क्योंकि रिस्की होता है ना, अगर हम लॉस कर देंगे तो आपका बैलेंस वापस जीरो में आ सकता है। लेकिन इस वीडियो में मैं कंपाउंडिंग कर रही हूँ। अगर आप रिस्क ले सकते हो, आपके पास वो है मनी मैनेजमेंट, तो आप कंपाउंडिंग कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर ट्राई करो कंपाउंडिंग अवॉइड करने का। बाकी आपको इस वीडियो में एटलीस्ट मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा कि एटलीस्ट अगर मैं $10 से लगभग $100 का आज का वीडियो है उतना कर सकती हूँ, तो आप अपना $10-$20, $50, $100 या कितने का भी आपका अकाउंट है उसको आप डेली प्रॉफिट तो कर ही सकते हो। क्या कैसे करेंगे, प्राइस एक्शन के बेसिस पे क्या देखेंगे नहीं देखेंगे, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, किसी पार्ट को मिस मत करना। और अभी हम लोग ट्रेडिंग करने वाले हैं, इस कैंडल के बाद ग्रीन के लिए हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे। सो तब तक यार, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना। और यहाँ पर एक ट्रेडिंग, अब आप एक ये कह सकते हो कि अरे यार, मार्केट में एक तरह से देखा जाए तो ये ग्रीन कैंडल ऊपर तक गई है, फिर ऐसे नीचे आ गई है, तो यहाँ पर तो सेलर्स की पहचान हो रही है ना कि यहाँ पे सेलर्स है। तो आप फिर अगली कैंडल रेड ग्रीन के लिए कैसे चल गए यहाँ से, तो शायद शायद डाउन ट्रेंड आ सकता है। यस, ये सेलर्स की पहचान ज़रूर है। लेकिन जब भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, हम लोग सिर्फ एक कैंडल को देख कर ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ जैसे जैसे इसका तो ऑफकोर्स ही यही कह रहा है कि यहाँ पर सेलर्स है, लेकिन सिर्फ इसको देख के हम सिर्फ इसी को देख के हर तरह के मार्केट में यही लॉजिक लगाएंगे जो आप लोग कई बार करते हो। जैसे मैं किसी वीडियो में कुछ आपको बता दी तो आप एग्जैक्ट वही चीज़ को खोजते हो और आपको मिलता है, आप ट्रेड प्लेस करते हो, कभी लॉस हो जाता है तो कहते हो कि अरे यार, ये वक्त क्यों नहीं किया। क्योंकि देखो, आपको कभी भी ट्रेडिंग करना है तो किसी एक कैंडल के बेसिस पे नहीं करना है। ये कैंडल अकेले कुछ क्या कह रहा है ये डिपेंड करता है किसका प्रीवियस कैंडल क्या है, उसके प्रीवियस का कैंडल क्या है, ओवरऑल चार्ट क्या है। तो जब भी ट्रेड करो प्लीज बैक टेस्टिंग जरूर करो। मैंने यहाँ पे, क्योंकि इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बैठ रहा है यहाँ पे देख रहे हो कितना, मतलब मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या मैंने देखा है। बाकी ये फर्स्ट ट्रेड हमारा सुपर है। तो बाय द वे गाइस, ये जो ट्रेडिंग सिग्नल, जैसे भी हम लोग जो प्रॉफिट करते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा प्रॉफिट होता है, कभी लॉस भी होता है, आपको वीडियोस में वो सब देखने की जरूरत मिलती रहती है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, मेरे साथ ट्रेडिंग करना चाहते हो, या आप खुद से भी करते हो पर आपको डर लगता है ट्रेड प्लेस करने में, या आपको पास्ट लॉस रिकवरी करना चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। फ्री ट्रेडिंग सिग्नल्स मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ। कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे वहीं पर पूछ सकते हो, आपको वहाँ पर मेरा पर्सनल आईडी भी मिल जाएगा और ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ गिव अवेज, प्रोमो और अपडेट्स, ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिलती है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। अब और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट जरूर करना, नहीं तो फिर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, और यहाँ पर अगर ये रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी तो डेफिनेटली फिर हम लोग डाउन डायरेक्शन के लिए जाएंगे। देखो यार, जब भी आप ट्रेडिंग करते हो आपको दो तीन चीज़ें तो एकदम ही देखना है कि सबसे पहले मार्केट में वॉल्यूम है कि नहीं। अगर ये कैंडल भी इसी टाइप से खत्म हो जाएगी जैसे कि अभी ये है, तो फिर यहाँ हम लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आपको या तो बैरिश का पावर दिखना चाहिए या तो बुल्स का पावर दिखना चाहिए। अगर दोनों स्टक कर रहा है, दोनों ही फाइट कर रहा है, या दोनों ही मोमेंटम, अगर आप जैसे कि ये मार्केट में मोमेंटम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मार्केट में देख लो कितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल डाउन डायरेक्शन की हमको सिग्नल दे रही है। यहाँ पे इतना सुंदर स्टक मार्क, सुंदर नहीं लेकिन ओके, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टक मार्केट को इस बड़ी रेड कैंडल ने इनगल्फ कर लिया, उसके बाद भी रेड कैंडल बनी जो कि काफी पावरफुल बनी, एंड उसके बाद यस थोड़ा यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने भी इनगल्फ किया है और थोड़ा एक सपोर्ट लेवल क्रिएट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा सपोर्ट लेवल है, तो सपोर्ट लेवल पर तो ऐसा लेवल होगा ही, बट अगर आप देखो तो एक दो तीन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल भी क्रिएट हो चुका है और ये नियर बाय इसी लेवल के पास हुआ है, तो यहाँ पे सपोर्ट भी कम रेजिस्टेंस भी काम कर सकता है। कर सकता है नहीं कर सकता है, ये चीज़ हमको पता चल जाएगा कोई अच्छी बैरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न से कम इनगल्फ कर ले, तो हम कह सकते हैं कि यस मार्केट, जैसे कि देखो यहाँ पे मार्केट काफी स्टक किया था, स्टक करने के बाद इस रेड कैंडल ने इसको पूरा पूरा इनगल्फ कर लिया, एक बहुत पावरफुल कैंडल बनी, अगेन यहाँ पे रेड कैंडल बनी, मार्केट रिट्रेसमेंट लेके अप गया। अब अगर हमको डाउन डायरेक्शन की अच्छी कुछ कैंडल देखने को मिलती है जिसका कन्फर्मेशन हम 15 सेकंड के मार्केट से लेंगे, तो फिर हम लोग डाउन के लिए जाएंगे, ट्रेडिंग करेंगे। और यहाँ पर मैंने कर दिया, तो यहाँ पे एक और होगा ना, ठीक है, तो अब हमने अपना $19 लगा दिया।
बिकॉज 15 सेकेंड के मार्केट में देखो मार्केट अप जा रहा है, अप जाने के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, मार्केट डाउन गया। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा देखो, डाउन जाने के बाद मार्केट एक अच्छा यहाँ पर भी एक लेवल थोड़ा सा क्रिएट किया है, और इस सारे लेवल को आप देखोगे कि यस लेवल तो क्रिएट हो चुका है बट ग्रीन कैंडल्स स्ट्रांग नहीं बन रही है, उसकी मोमेंटम बहुत ज़्यादा वीक है और ट्रेंड ओवरऑल हमारा डाउन है। आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, आप पाओगे कि यस मार्केट में यहाँ पर हमारा ट्रेंड लाइन हिट हो रहा है, तो मार्केट डाउन जा सकता है एटलीस्ट कहाँ तक, तो इस सपोर्ट लेवल तक ट्राई करेगा। बिकॉज देख रहे हो मार्केट यहाँ से ही डाउन जा रहा है, लेकिन बार बार बायर्स आने की कोशिश कर रहे हैं, वो आ नहीं पा रहे हैं, और सेलर्स ये ट्राई कर सकते हैं कि सपोर्ट तक वो आए, क्योंकि जब भी कोई एक सपोर्ट दो सपोर्ट टूटता है तो ये एक मार्केट में फ्लो बन जाता है कि वो नेक्स्ट सपोर्ट को टच करे, नेक्स्ट सपोर्ट को टच करे। बट यहाँ पर मार्केट काफी साइडवेज है, देख रहे हो अभी तक क्लियर नहीं है। ओके तो देखते हैं, ये एक सारा विन हुआ है, ठीक है, हमको सारा विन हुआ है। अब हम लोग $35 के ट्रेड अगेन यहाँ पर डाउन डायरेक्शन के लिए प्लेस करेंगे, क्यों क्या, बिकॉज देखो मार्केट में फ्लो, अगर आपको जिस भी मार्केट में वो कहते हैं ना कि ट्रेंड के साथ ट्रेड प्लेस करना बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, नो डाउट। अभी मार्केट में फ्लो हमको बेरिश का मिल रहा है, आप देखिए थे 1 मिनट में भी कितना बड़ा कैंडल बना था, उसका फर्दर क्लैरिफिकेशन हुआ था ये एक रेड कैंडल से, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, फिर मार्केट डाउन जा रहा है, उस चीज मैं आपको दिखाऊंगी 1 मिनट के मार्केट में। बाद बाकी आप देखो कि मार्केट ने इस जो स्टॉक मार्केट यहाँ पे क्रिएट हो रहा था, इस रेड कैंडल ने उसको अभी तोड़ दिया है। यहाँ पे नो डाउट बायर्स आने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, तो भाई बायर्स ही आने की कोशिश कर रहे हैं पर वो नहीं आ पा रहे, और अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि यस ट्रेंड लाइन जो हमारा है वो डाउन की तरफ जा रहा है, वो ऐसे अप नहीं जा रहा है, वो ऐसे डाउन जा रहा है, मतलब कि हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन डायरेक्शन का ही है ओवरऑल, भले ही बार बार बायर्स आने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट लेवल का भी, यहाँ पर ये जो सपोर्ट लेवल का हुआ है अच्छा खासा ब्रेक हुआ है, इस रेड कैंडल ने किया है, तो मार्केट ऑफकोर्स इस सपोर्ट तक आने की कोशिश करेगा। और 1 मिनट के मार्केट तक में, मतलब 1 मिनट का जो ट्रेड है, हम एक एक मार्केट 1 मिनट के मार्केट को देख के ट्रेड 1 से 2 मिनट में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये ट्रेड हमारा विन रहा, बिकॉज देखो मार्केट में यहाँ पे स्टॉक मार्केट इतना अच्छा सा टूटा, उसके बाद मार्केट सपोर्ट लेवल पर रिट्रेस हुआ, एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल क्रिएट कर दिया, बायर्स आने की कोशिश नहीं कर पा रहे, आ रही आने की कोशिश तो बहुत कर रहे पर आ नहीं पा रहे, एंड अगेन मार्केट फिर अब सपोर्ट को तोड़ा है तो वो कोशिश करेगा और डाउन जाने का, लेकिन यस कितना डाउन जाएगा, क्या फिर से डाउन की ट्रेडिंग कर दे, तो अब नहीं करने वाले डाउन की ट्रेडिंग, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफी डाउन जा चुका है, और आपको ट्रेंड लाइन जहाँ पे टच हो रहा होता है, जैसे कि अभी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप देखोगे ये लेवल टच होगा, ये लेवल टच होगा, ये लेवल टच होगा, यहाँ पर कोई ट्रेंड लाइन टच नहीं होगा, अगर एक ट्रेंड लाइन हम लोग टच करेंगे तो अगली ट्रेंड लाइन जो टच होगी हमारी, जो कैंडल टच हो सकती है वो यहाँ तक, अगर कैंडल ऊपर गई ना तो यहाँ से अगर फिर से डाउन जाएगा तब हम लोग डाउन के रेटिंग के लिए करेंगे, यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन थोड़ी टच होगा, ये थोड़ा सा और ऊपर जाए कुछ इस तरीके से जाए, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको नहीं, हमको डिक्रीजिंग चाहिए ना, तो ये थोड़ा इस तरीके से ऊपर जाए, फिर यहाँ से अगर डाउन जाएगा कुछ अच्छा इनगल्फिंग बैरिश कैंडलस्टिक मिल गया तब भले ही हम लोग डाउन के ट्रेडिंग करें, बट अभी हम लोग फिलहाल तो यहाँ पे नहीं करने वाले, तो अभी हम लोग देखते हैं कहीं और ट्रेड प्लेस करने का, और दिस विल बी आर लास्ट ट्रेड, तो $64 का ट्रेड होगा और यहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग करने वाले हैं। अब देखो मार्केट के साथ तो ट्रेड कर लिया, अब मार्केट के अगेंस्ट ट्रेडिंग की जाए तो यहाँ पर हम लोग डाउन डायरेक्शन के ट्रेडिंग के लिए जाएंगे, ठीक है। आप कह सकते हो यार मार्केट का ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यस नो डाउट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ओके बहुत स्ट्रांग है भाई, यहाँ पे देख रहे हो एक रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट वाले कैंडल को जरा हम लोग देखेंगे स्ट्रांग है क्या है, फेक तो नहीं है, क्योंकि अचानक से जो ग्रीन कैंडल दिखती है रेट, अरे यार तो अभी भी हम लोग को सिग्नल नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल कितनी ज्यादा स्ट्रांग बन गई, हम लोग रेड कैंडल की सोच ही नहीं सकते अभी जब तक कोई सॉलिड कंफर्मेशन नहीं मिलता, क्योंकि बार बार आप देख रहे हो रेड कम बन रहा है ग्रीन ज्यादा बन रहा है, रेड कम दिख रहा है ग्रीन ज्यादा बन रहा, तो जब ऐसा फॉर्मेशन दिख रहा है तो हम लोग क्यों ज्यादा रिस्क उठाए, हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेडिंग कैसे करते जब तक हमको कोई सॉलिड नहीं मिल रहा, और हम लोग जानते हैं बहुत वीडियोस में मैंने बताया है कि ग्रीन कैंडल में अगर अपर शैडो देखने को मिलती है तो वो स्ट्रांग काफी होता है मार्केट का, मतलब कि यस ट्रेंड फर्दर कैन कंटिन्यू, और इस ग्रीन कैंडल में हमको बहुत बड़ा पता चल रहा है कि यस भाई बायर्स है, लोअर शैडो भी हो सकता है जैसे इसमें है बट अपर शैडो सिर्फ है तो ये भी बहुत ज्यादा अच्छी बात है, लोअर शेडो से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यस शेडो शेडो जितनी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भी बड़ी नहीं होनी चाहिए, और अगर ये रेड कैंडल बन गया इंगल्फ कर लिया ये 2 कैंडल को लगभग, तो फिर हम लोग डाउन के लिए जाएंगे, ठीक है। देखते हैं अगर ये इस ग्रीन कैंडल की बॉडी को 50% कवर नहीं करता है तो, जो कि नहीं किया, यहीं पर करना था, कर दिया है,
ठीक है, क्योंकि देखो यार, अगर ये 50% इसको कवर कर देता ना, जैसे देख रहे हो नहीं कर पाया, यहाँ तक 50% तक तो आया तो फिर ऊपर चला गया, तो अगर ये सच में पूरा कवर कर देता या फिर 50% ही करता तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल क्रिएट हो गया। तो फिर अब हम लोग कैसे करते ट्रेडिंग, हम लोग इसकी ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड प्लेस करते, लेकिन यहाँ पे यहीं पर एक तरह से रिट्रेसमेंट हो गया, मार्केट यहीं पे थोड़ा सा अप चला गया। और अगर ये रेड कैंडल बनता तो शायद ये रेड कैंडल अगर बन जाए तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक है, ये नहीं बन पाया तो एटलीस्ट ये बन जाए। अगर ये भी रेड कैंडल नहीं बनेगा तब फिर ये ट्रेड हमारा लॉस है, तो अगर ये रेड बन गया तो फॉर श्योर ये ट्रेड हमारा विन है, बिकॉज मार्केट इस ये जो सपोर्ट, ये एक सपोर्ट है, बिकॉज ये ग्रीन कैंडल बहुत स्ट्रांग है, और इसी सपोर्ट लेवल पर देखो मार्केट अच्छा रिट्रेसमेंट हो गया, रिट्रेसमेंट के बाद डाउन जा रहा है, तो फॉर श्योर ये सपोर्ट का ब्रेकआउट हो चुका है, तो अब तो हमारा ट्रेड तो विन है भैया, ठीक है। तो जैसे ये कैंडल में, जैसे रिट्रेसमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मार्केट डाउन जा रहा है, थोड़ा सा अप जाएगा फिर डाउन जाएगा, तो ये जो अप गया उसको रिट्रेसमेंट बोलेंगे, या मार्केट अप जा रहा है तो थोड़ा सा डाउन जाएगा फिर अप जाएगा, तो ये जो डाउन गया उसको रिट्रेसमेंट बोलेंगे। हाँ ऑफ कोर्स ये तो होता ही है, ये तो बहुत पावरफुल रिट्रेसमेंट होता है, बट अगर कैंडल हमारा डाउन जा रहा है, ठीक है, जैसे कि ग्रीन कैंडल या फिर कैंडल अप जा रहा है, जो भी है, ये ग्रीन कैंडल अपने आप में एक रिट्रेसमेंट को शो कर रहा है, बिकॉज ये नीचे जाके ऊपर चला गया, तो यहाँ पर बायर्स को शो कर रहा है मार्केट, फिर बायर्स अगेन ट्राई किया इस रेजिस्टेंस लेवल तक को टच करने का, वो टच भी किया पर उतना स्ट्रांग नहीं बन पाया, देख रहे हो इसमें अपर शेडो नहीं है, ठीक है, लोअर शेडो है, उतना स्ट्रांग नहीं बन पाया, और अगेन जो इसके बाद कैंडल बनी उसने इसको पूरा एनगल्फ कर दिया, और फिर हम लोगों ने इसके पहले ये प्रेडिक्ट वैसे कर लिया था, जो आप ट्रेडिंग करोगे तो खुद से हो पाएगा आपसे, और इस तरीके से हमने ये ट्रेड विन कर लिया। आई होप सो ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो, बहुत बहुत सारे डाउट्स भी हो सकते हैं, वो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो देखा करो, कंपाउंडिंग वीडियो देखा करो, तो सारे क्लियर हो जाएंगे आपको। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप ऑलवेज वेलकम हो, आप मेरे टेलीग्राम पर मुझसे आस्क कर सकते हो, फ्री ट्रेडिंग सिंगल्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, अभी भी कुछ भी डाउट है, चाहे डिपॉजिट वेरिफिकेशन लॉस रिकवरी कुछ में भी दिक्कत है, तो प्लीज़ मेरे से बात करो, और प्लीज़ कॉमेंट ज़रूर करिए, और फ्री ट्रेडिंग सिग्नल्स के लिए मैंने बता दिया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बता देना, लाइक कर देना, और ऐसे आप फॉलो करोगे तो आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा, लेकिन यस मनी मैनेजमेंट के साथ, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होगा, बिकॉज आप अपनी टेक्निकल एनालिसिस को कितना ही मजबूत रख लो, मार्केट सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे वर्क नहीं करता, इसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी वर्क करते हैं, राइट, अगर कुछ सडन न्यूज आ गया या कुछ डिजास्टर हो गया तो मार्केट फ्लक्चुएट करता है, उस टाइम आपको लॉस हो सकता है, बट यस अगर मनी मैनेजमेंट के थ्रू चलोगे तो इट्स ओके, एक दो दिन के लॉस से फर्क नहीं पड़ सकता, नहीं पड़ता, बाद में हम प्रॉफिट कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे, तो एक दो दिन से कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं होता, आपको ऑफ कोर्स आपको क्वालिटी कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन ये सब तो लेके चलना होगा, तो या मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।